एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बिटकॉइन। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक मैथमेटिक्स का आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसको क्या है, यहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, इस स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, उसके बाद आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं 11th 12th, वहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री को आप फेस करेंगे, और इसके बाद भी अगर ग्रेजुएशन भी करते हैं वहां पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन मिलना है। तो इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपका फंडामेंटल इसका क्लियर नहीं होगा, फिर आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम बात करेंगे इसी में, सबसे सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, सारी चीजों को, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में सबसे पहले बताते हैं आप सभी को, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब यानी कि कोण, और मिति मतलब मापना, यानी जो तीन कोण का मापन होता है त्रिकोणमिति कहा गया है। इसी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। कौन सा ब्रांच, दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जो हमें क्या करता है, रिलेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, हमें ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन प्रोवाइड करता है उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो एंगल साइड के बीच में, एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन हमें बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्रीक वर्ड है, यानी कि तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन, गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, यानी जहां पर तीन साइड्स का मेजर यानी मापन करते हैं इसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसको अलग अलग अर्थ में इस तरह से इसको बताया गया है इसके बारे में कि क्या है। और बेसिक इसका जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल पे ही करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एकमात्र इसमें जिस पर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक, तो सबसे पहले आप सभी को बता दें स्टूडेंट्स, इसमें जो बेसिक फंडामेंटल इसका है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, तो आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है, और ये दोनों आपके क्या है, एक्यूट एंगल है। दोनों क्या है स्टूडेंट्स, आपके ये एक्यूट एंगल है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम इस एंगल की बात करेंगे, मतलब एंगल ए कहेंगे, या यहाँ पे थीटा लिखा होगा, इसकी बात करेंगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर इस एंगल की बात हो रही है, तब इस एंगल से अटैच जो साइड होती है नीचे, इसे हम बेस कहते हैं। जिस एंगल की हम बात करते हैं और उस एंगल से अटैच जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट ये साइड हो गई, तो ये इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर। आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनस होता है, इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसको जान लेना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स मान लिया कि अगर हम बात करने लगे इस एंगल की, एंगल सी की बात करने लगे, थीटा हमने इसको मान लिया, ठीक, अब मान लिया हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, तो आप ये समझ लीजिए कि जब इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में, डियर स्टूडेंट्स, इसके अटैच ये साइड है और ये आपका तब हो जाता है बेस। जब इस एंगल की बात करते हैं तो ये बेस हो जाएगा, और इस एंगल के अपोजिट ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला, जो एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसे जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और एक बात और, जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, अब आप कहेंगे थीटा क्या, तो थीटा एक प्रकार का ग्रीक नोटेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा जो है एक प्रकार का ग्रीक नोटेशन होता है जिसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के यूज करते हैं। ठीक, ऐसे ही अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी चीजें होती है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक, बहुत सारे इस प्रकार के नोटेशन होते हैं जो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, जब भी आप इस चीज को पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो इन सब चीजों से आपको मुलाकात होगी, होगी कहीं ना कहीं, आप इसकी भेंट हो ही जाती है। एक प्रकार के ग्रीक नोटेशन है जिसका यूज हम लोग करते हैं। हालांकि थीटा का मतलब क्या, बस एक एंगल को शो करता है, ठीक, ये एक एंगल है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा, इसी तरह से स्टूडेंट्स है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक, साइन को हम हिंदी में कहते हैं जिया, क्या कहते हैं इसको, जिया कहते हैं। कॉस को हम हिंदी में कहते हैं कोजिया, कॉस को क्या कहते हैं, कोजिया कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिया, कोजिया एंड कॉजिया। तो ये इस तरह से आपका टेन हो जाता है। तो इस तरह से हिंदी में इसका नोटेशन होता है, हिंदी में इसको हम नाम देते हैं। और जब साइन कॉस टेन आपको पता हो जाता है तो कॉसेक से कॉट आप ऑटोमेटिक बना लेते हो। इसके लिए सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें, एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान भूखा प्यासा,
पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जब इसको आप याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में इसे कहते हैं लाल बटे कका। हिंदी में इसको कहते हैं लाल बटे कका। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे इसको समझ लें, इसको कहते हैं लाल बटे कका। याद करने का तरीका है, कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन आपके गलत होंगे नहीं। या इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कर लीजिए, या तो आप कह लीजिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चाहे आप इस तरह से कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कह लीजिए, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो लाल बटे कका कह लेंगे। क्यों? क्योंकि P फॉर क्या है परपेंडिकुलर, P फॉर क्या है परपेंडिकुलर, B यस फॉर क्या है हाइपोटेनस, एंड B फॉर बेस है हाइपोटेनस है, P परपेंडिकुलर B बेस है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे यल जो है स्टूडेंट्स, यल मतलब लंब, जो परपेंडिकुलर होता है इसको हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को। और जो हाइपोटेनस होता है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इस जो ये बेस है इसको हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आधार कहते हैं। ठीक, तो अब ये लिखा है लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। ये लिखा है आधार बटे कर्ण, और ये लास्ट में लिखा है लंब बटे आधार। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है P बाई H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से ये आपको लिखा हुआ है। इसको आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपकी पूरी जो आप ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक आप स्टडी करेंगे, तो इन चीजों को अगर नहीं जानते तो यानी कि आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको कोशिश करना है समझ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जो हम बात करने वाले हैं साइन टेन और कॉस की। तो साइन क्या होता है डियर स्टूडेंट? साइन जो होता है ये कॉसेक का आपका रेसिप्रोकल होता है। साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और जो कॉसेक थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसी तरह से स्टूडेंट कॉस थीटा जो होता है ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इसी तरह से जो सेक थीटा है ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट जो टैन थीटा है ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और जो कॉट थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन टैन थीटा। और डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो टैन थीटा है इसको हम और भी एक फॉर्मेट में लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो टैन होता है टैन को हम साइन अपॉन कॉस के भी रेस्पेक्ट में लिखते हैं, और जो कॉट थीटा है इसको भी हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये क्या है, आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसके बगैर आपका आगे का पार्ट जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स को कर लेंगे। ठीक, तो इसको आप आसानी से इसको कर पाएंगे, जब भी आप करेंगे तो इस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे का काम हम स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करेंगे हम, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा लिखा हुआ है, मान लिया तो डियर स्टूडेंट ये आपका है साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर मान लें कि ये वाला एंगल, अगर हम मान लें कि इसको थीटा मान रहे हैं, तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा, तो साइन थीटा स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो P बाई H होती है। क्या होती है? P बाई H। ये वाला पोर्शन साइन थीटा को डिनोट करता है, बीच वाला जो है ये कॉस थीटा को, ये कॉस थीटा को, बीच वाले कॉस थीटा को, और जो लास्ट वाला है ये टेन थीटा को डिनोट करता है। मतलब साइन कॉस टेन को साइन कॉस टेन, तो इस प्रकार से तीनों को डोनेट करता है। और जब ये मिल जाता है तो आप जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है, तो इसका रेसिप्रोकल इसमें रख देंगे, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आपको यहाँ कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा में क्या होता है? पी बाई एच होता है। साइन थीटा में स्टूडेंट्स क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो जब पी बाई एच, साइन थीटा में क्या हो गया? पी बाई एच हो गया। अब पी है क्या यहाँ पे?
क्योंकि आपको पता अगर ये थीटा लिया तब ये हो गया पी, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया पी मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बी बेस हो गया, ठीक। तो पी क्या है, बी सी, पी क्या है यहाँ पे बी सी, पी क्या है बी सी अपॉन, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका यच, यच क्या है यहाँ पे, यच आपका है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, इस तरह से ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पे भी थीटा की बात करो, थीटा ये है तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस में क्या होता है स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है यहाँ पे ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी मतलब बी अपॉन एच हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है बी अपॉन एच होता है, और बी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी है और एच क्या है ए सी है, मतलब इसको कहते हैं आधार बटे कर्ण, यहाँ पे क्या है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण है, इस प्रकार से इसको आप लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स हम ऐसे ही टैन थीटा की बात करते हैं, तो टैन थीटा में बताया जाए थीटा तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, टेन में क्या होता है, तो टेन में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट वाला जो है पी बाई बी, लास्ट वाला जो है क्या है पी बाई बी है, या इसमें एल बाई ए है लंब बटे आधार, तो मतलब पी बाई बी मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, परपेंडिकुलर को लंब, बेस को आधार, तो लंब बटे आधार या पी बाई बी, तो पी बाई बी मतलब क्या है ये देखेंगे आप, पी बाई बी, पी बाई बी इक्वल टू पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स क्या है क्योंकि थीटा ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बी सी, ये हो गया BC, और इसके रिस्पेक्ट में आपका ये हो गया आपका बेस यानी आधार, तो ये हो गया AB, BC अपॉन AB, इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी को जस्ट आप कॉसेक के फॉर्मेट में लिखिए, कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल ही कॉसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखिए, तो पी बाई एच एच बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, यहाँ पे बीसी बाई ए सी है तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई BC हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ही तो लेना है ना आपका cosec में, हो गया। इसी तरह से sec में क्या हो जाएगा b by h है तो h by b हो जाएगा, क्या हो जाएगा h by b हो जाएगा, और यहाँ पे AB upon AC है तो क्या हो जाएगा AC upon AB आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। इसी तरह से tan theta का क्या है p by b लिखा हुआ है, तो p by b है तो b by p हो जाएगा, क्या हो जाएगा b by p equals to इधर क्या है BC by AB तो ये हो जाएगा AB by BC। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इसको लिख पाओगे, ये आपका एक टेबल तैयार हो जाता है, इसको आप माइंड में रख लेंगे क्योंकि इस टेबल की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, और इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक, या लाल बटे कका, लाल बटे कका, तो इस तरह से कोई भी आप अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए जिससे आप समझ पाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आप कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। चलिए फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मान लिया आपको याद नहीं होती है, लंबा टेबल है बड़ा होता है क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होगी, आप याद करो कैसे याद करेंगे, सर लिखते हैं याद नहीं हो रहा है, मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला कि वो तरीका आपको बता दिया जाए कि उस तरीके से आप करो, तो पेपर में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस दो मिनट का टाइम निकालोगे, दो मिनट में आप सारे उससे ही सारे उसके जितने भी वैल्यूज हैं सब खुद ही निकाल लोगे जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाओगे, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी होती है, तो आप इस प्रकार से इस टेबल को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है और इसके वैल्यूज आपको कैसे याद करने हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे है साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव की वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी की वैल्यू वन, ठीक। ऐसे कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू, कॉस नाइनटी की वैल्यू जीरो, ठीक। इस प्रकार से ये पूरा टेबल है, क्वेश्चन में आता है तो आपको डायरेक्ट बीच से पूछेगा कॉट 60, तो कॉट 60 अब आप सोच रहे कॉट 60 क्या है, कॉट 60 क्या था टेबल में क्या था, गायब है, कुछ भी नहीं था कॉट 60 में, वन बाय रूट थ्री याद ही नहीं, क्या करोगे। तो उसके लिए आपको तरीका एक बताया मैंने, याद जान लीजिए तरीका क्या है स्टूडेंट्स। ये तरीका आपका इस प्रकार से है कि जब भी कभी ये टेबल मान लिया आपको नहीं याद है, मान लिया टेबल आपके माइंड में नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से काम करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करिए क्या, जीरो वन टू थ्री फोर,
ये तो गिनती तो याद है ना सबको, जीरो से लेकर फोर तक बिल्कुल याद है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। आप सभी को स्टूडेंट्स फोर से डिवाइड कर दीजिए, क्या करना है फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर से डिवाइड कर दीजिए सभी को, ठीक। ये तो आसान काम है ना, ठीक। फिर क्या करिए, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बाई फोर यानी कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा, जीरो, और जीरो का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जीरो। अब ऐसे वन बाई फोर, वन बाई फोर में वन का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वन, फोर का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, टू, वन बाई टू आ गया। फिर क्या है, टू वन जा टू, टू जा फोर, वन का स्क्वायर रूट क्या है, वन, और टू का स्क्वायर रूट क्या है, अंडर रूट टू, ठीक। इसी तरह से रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट थ्री, फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टू, रूट थ्री बाई टू हो गया। इसी तरह से फोर फोर ये क्या है, वन टाइम्स, तो वन बाई वन, वन का स्क्वायर रूट क्या हो गया, वन का स्क्वायर रूट वन ही हो गया, वन हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये जीरो डिग्री की वैल्यू हो गई, ये आपकी थर्टी डिग्री की वैल्यू हो गई, ये आपकी 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, और ये आपका स्टूडेंट्स 90 डिग्री की वैल्यू हो गई। लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, साइन के लिए। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू वन बाई टू, साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, साइन जीरो और 90 की वैल्यू वन, सब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देख लीजिए साइन के टर्म में ये सारी चीजें आपकी सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको ये निकालने का तरीका है। और जब डियर स्टूडेंट्स आपका एक निकल गया, साइन क्या हुआ, साइन निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उठाइए, जीरो और वन को पकड़िए, वन को इधर ले आइए और जीरो को इधर ले आइए, मतलब इसको उठा के ऐसे शिफ्ट कर देना है। तो वन क्या आ जाएगा, यहाँ पहले आ गया, फिर रूट थ्री बाई टू सेकेंड पे था, यहाँ पे मतलब पीछे था, सेकेंड से पीछे से सेकेंड पे, तो ये यहाँ आ गया। अब वन बाई रूट टू अपने जगह पे ही रह गया, ठीक, ये 1 बाई टू यहाँ शिफ्ट हो गया और ये 0 1 के लिए चला गया, यानी ये 1 बाई टू कहाँ पे, इस रूट 3 बाई टू के नीचे, और ये 0 कहाँ गया, 1 के नीचे, तो 1 के नीचे 0 आपको यहीं पर लिख दिया गया, यहाँ पे ये 0। तो आप देख रहे हैं किसकी वैल्यू बन गई, ये आपकी कॉस की वैल्यू बन गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई टू, कॉस 45 की 1 बाई रूट टू, कॉस 60 की 1 बाई टू, कॉस 90 की 0। तो ये आप देख लीजिए कॉस वाले सीक्वेंस में देख लीजिए सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड है। फिर क्या करना है, टेन का निकालना है, टेन को क्या, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, हमने बताया अभी इसके पहले जो बताया कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो सब जगह डिवाइड कर दीजिए, तो जीरो को वन से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपको, जीरो को वन से डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा, ये टेन की वैल्यू आपको मिलने जा रही है, तो ये जीरो आ गया। वन बाई टू को रूट थ्री बाई टू से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई रूट थ्री आ जाएगा, ऐसे 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू को डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर रूट थ्री बाई टू से 1 बाई टू को डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, क्या आ गया, रूट थ्री। इसी तरह से 1 बाई जीरो, जब भी जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, आपका इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये क्या हो गया, जीरो डिग्री, टेन जीरो की वैल्यू, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन थर्टी की वैल्यू वन पॉइंट रूट थ्री, टेन आपकी 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू आपका ये क्या हो गया, रूट थ्री, टेन 60 की वैल्यू क्या है, रूट थ्री है, ठीक, और टेन 90 की वैल्यू 1.0 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड। आप देख रहे हैं टेबल आपके पास तैयार है पूरी तरह से, बस इसको आपको सिंपल वे में तरीका समझ लेना है, आपको जान लेना है, आप आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। फिर जैसे आपने साइन को उठा के ऐसे पलट दिया तो कॉस बन गया, इसी तरह से टेन को ऐसे उठाइए, टेन को ऐसे उठाइए पलट दीजिए, कॉट बन गया, टेन को ऐसे उठाया पलट दिया कॉट बन गया, देख लीजिए ध्यान से कॉट बन गया। अब क्या करना है, अब साइन है यहाँ पे sec, sec है, तो sec क्या होता है, sec होता है 1/cos, यानी cos का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लिख ले लो, सबका रेसिप्रोकल ले लो, तो sec की वैल्यू हो जाएगी, सब क्या हो जाएगी, sec की वैल्यू। इसी तरह से cosec क्या होता है स्टूडेंट्स, cosec, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो सबको 1/0 तो आपको कॉसिक मिल जाएगा। इस तरह से ये पूरी टेबल आपके मुट्ठी में होगी, आप अपने खुद से बनाए हुए टेबल को आप आसानी से लर्न कर पाओगे, एग्जाम में आप लिख पाओगे, जैसे इसका एक टेबल एग्जाम में 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आप टेबल ड्रा कर लोगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन के सही कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है।
चलिए इसके आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपको कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सप्लीमेंट्री एंगल्स की, ये क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन जब आप मिलेंगे क्वेश्चन तो वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज को बेसिक चीज को बहुत ही आसानी से समझना है। तो आप ये क्या होता है फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए ट्रिग्नोमेट्री जितना भी है ये पूरे फॉर्मूले पे बेस्ड है। आप कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। बेटा जी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आर्किटेक्चर में सबसे बड़े स्तर पे होता है। ठीक है तो यहाँ पे क्या है हम इसको देखेंगे कैसे इस चीज को हमें लर्न करना है, क्या ये सही है कि नहीं है, इस चीज को हम सब प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स साइन 90-A, तो साइन 90-A होता है इक्वल टू कॉस ए के बराबर होता है। जहां पर भी आपको साइन 90-A मिल जाए तो आप समझ लीजिए वहां पर आप कॉस ए लिख सकते हैं। इसी तरह से sec 90-A इक्वल टू cos ए हो जाएगा, tan 90-A आपका cot ए हो जाएगा, cos 90-A आपका sin ए हो जाएगा। इसी तरह से cos 90-A sec ए हो जाएगा, cot 90-A इक्वल टू tan, मतलब sin cos में और cos sin, sec cosec में और cosec 90-A sec में, tan 90-A cot में और cot 90-A tan में, कुछ याद ही नहीं करना है सब, तो वही है सिंपल। तो अब आप कहेंगे सर ये कैसे प्रूफ करें कि सही है कि नहीं, तो आइए प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं कि सही है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो जिसमें ये 90 डिग्री ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों का 180। तो अब बचा ये तो निकल गया, बचा क्या ये, तो अब 180 में से 90 निकल गया, बचा 90, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 90 हो गया। तो जब इन दोनों का सम 90 हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू आपका यहां पे हो गया 90-A, क्योंकि एंगल ए उधर चला गया तो क्या हो गया 90-A हो गया, तो सी इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 90-A के बराबर आपका ये है। ठीक तो अब इस चीज को आप आसानी से समझ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका लिखा हुआ है cos A, क्या लिखा हुआ है cos A। तो cos A को आपको समझना है तो इसको आप कैसे समझेंगे, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम cos A देख लेते हैं, क्या है cos A। अब हमने बताया cos A मतलब आप इस एंगल की बात कर रहे हो, cos A मतलब A की बात करो, ये लिखा हुआ मतलब इस एंगल की बात कर रहे हो, तो cos A तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका बेस, ये क्या हो गया बेस, और इसके अपोजिट जो ये साइड है ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो कॉस में होता क्या है, कॉस में हमने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो कॉस में क्या है बी बाई एच है, बीच वाला कॉस होता है, आगे वाला साइन होता है, पीछे वाला टैन होता है, तो कॉस में क्या है बी बाई एच, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा, और बी क्या है आपका बेस, बेस आपका ए बी है, ए बी एंड एच हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी यहां से ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्या आ गया ए बी अपॉन ए सी आ गया। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, अब आपका इस वाले की बात कर लेता हूं, क्योंकि हमने आर एच एस कर दिया, क्या किया आर एच एस किया, अब हम एल एच एस को ले लेंगे, नाउ एल एच एस ले लिया, तो एल एच एस में क्या है स्टूडेंट्स साइन 90-A है, क्या है साइन 90-A, और 90-A क्या आया 90-A सी के बराबर आया, इसके हम सी रख सकते हैं, हो जाएगा साइन सी। अब हम साइन सी की बात जब कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो साइन सी मतलब सी एंगल ये है, मतलब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका ये वाली साइड हो गई बेस, ये साइड आपकी हो गई बेस, और अब ये वाली साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर, तो साइन सी ले रहे हैं, और साइन साइन में क्या होता है साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सी के अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये सी आपका हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया स्टूडेंट्स ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन सी यानी कि ये जो आया 90-A ए बी अपॉन ए सी आया, और जो कॉस ए आया वो भी ए बी अपॉन ए सी आया, तो साइन 90-A जितना है उतना ही कॉस ए है, इस वजह से साइन 90-A इक्वल टू कॉस ए के बराबर है। ऐसे आप इन सभी को चेक कर लेंगे जैसे कि हमने इसको किया है, तो सिमिलरली आप इन सभी को कर लेंगे, इस तरह से समझने के लिए हमने बताया है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रूविंग की, समझ लेना है और इसको रट लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपकी ये फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, हर एक स्टेप में फार्मूला का यूज ही होना है, तो फार्मूले को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए।
ठीक है। चलिए इसका जो कुछ पार्ट लास्ट है इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या यूज है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी फार्मूला ही है कि cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बराबर 1 के होता है, 1 + tan स्क्वायर a जो है वो sec स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 + cot स्क्वायर a जो है वो cos स्क्वायर a के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर इसका क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a इस तरह से दे दिया और कहा स्टूडेंट्स कि इसको सॉल्व करो और किस फॉर्म में निकालो, इसको आप निकालो कॉट के टर्म में, फाइंड कॉट के टर्म में निकालो, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है दिख रहा है, सबसे पहले तो ऑलरेडी वन है, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए वन के बराबर होता है तो ये वन हो गया, प्लस अब कॉसेक स्क्वायर है तो जो कॉसेक स्क्वायर है ये क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब 1 और 1 प्लस 2 हो गया 2 प्लस cot स्क्वायर a, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, cot के टर्म में आपको निकालना था, cot के टर्म में आ गया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत ही जरूरी होता है समझना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके आगे के वीडियो में इसका जो बहुत ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप ये वीडियो पूरा आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही फार्मूले ही होंगे, तो उसका वेट करेंगे, और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।